सो ही गाइस आई एम एलेक्स एंड वेलकम बैक टू पोकेमॉन 5। तो आज हम लोग खेलने वाले पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू को बट ओनली यूजिंग शैडो म्यूटो। एंड इसके लिए मैं काफी ज्यादा रूल्स भी रखने वाला हूँ, जैसे कि नंबर 1 पे है कि हम म्यूटो के सिवाय और किसी पोकेमॉन को अपने टीम में ऐड नहीं कर सकते, बस एक पोकेमॉन ही पूरे के पूरे गेम में होगा भाई, ठीक है। एंड सेकंड रूल इज दैट कि नो हीलिंग, जो तुम लोगों का सबसे ज्यादा डिमांड होता है, तो हर गेम में मैं नो हीलिंग करता हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ। एंड थर्ड रूल इज नॉट ओवर लेवलिंग, अगर ओपोनेंट का पोकेमॉन लेवल 15 का है तो अपन लोग लेवल 16 के पोकेमॉन से उससे बैटल नहीं कर सकते, मतलब ओपोनेंट के पोकेमॉन से कम लेवल या उसके सेम लेवल से हम उससे बैटल कर सकते हैं, वरना अगर उससे हमने एक भी लेवल ज़्यादा कर ली तो भाई रूल टूट गया समझो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला, एक ही पोकेमॉन से ओपोनेंट के पोकेमॉन से ज़्यादा लेवल अप नहीं करना। तो यार सब लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं भाई लोग। तो शुरुआत में मैं लेता हूँ अपना फेवरेट कैरेक्टर एश कैचम को, एंड इसके साथ साथ मैं निकल पड़ता हूँ प्रोफेसर ओक की लैब में अपना स्टार्टर पोकेमॉन लेने, जहाँ पर मेरा फेवरेट स्टार्टर पोकेमॉन शैडो म्यूटो था। एक सेकंड, हाँ ये म्यूटो ही है, हाँ मुझे कुछ पिकाचू लगा था। बाय द वे फिर मैं निकल रहा था कि प्रोफेसर ओक ने बुला के मुझे पोकेडेक्स डिलीवर कर दिया। एंड इसके साथ साथ मैं इस सिटी से भी निकल पड़ा बिल्कुल बाहर की साइड, एंड ऐसे करते करते हम पहुंच गए वेडन सिटी के अंदर। बट उसी बीच हम लोग को यहाँ से देखने को मिला टीम रॉकेट रास्ता ब्लॉक करके बैठी है, तो अपन यहाँ पर आए जहाँ पर हमें प्रोफेसर को पार्सल मिला, तो हमने उनको तुरंत ही वो पार्सल डिलीवर भी कर दिया। एंड आफ्टर वाली था अपना फर्स्ट राइवल बैटल की, तो इस लॉन्डी के पास था एक पोकेमॉन ईवी एंड आई हैव ए शैडो म्यूटो जो कि चल बॉल में था, तो भाई इसकी तो लगनी पक्की है भाई, पक्की है। तो अपने पास कन्फ्यूजन अटैक था, मैंने एक दे मारा लिटरली डैमेज तो इंटेंस लेवल का ही था, तो उसके बाद तुरंत इसका एक छोटा सा अटैक लगा जो कि डैमेज नहीं कर रहा था, फिर मैंने इसे फिनिश किया। एंड हम आगे निकल पड़े कुछ और ट्रेनर्स बैटल के लिए, तो ये था मेरा फर्स्ट ट्रेनर बैटल जो कि वाइल्ड ट्रेनर्स होते हैं, तो जिनको मैंने वन शॉट लिया रहा। एंड फिर मैंने और मेरे म्यूटो ने डिसाइड किया कि हम कुछ पोकेमॉन को कैच करेंगे, तो पोकेमॉन को कैच करने के बाद एक्सपीरियंस मिलता है जिससे मैं अपने म्यूटो को लेवल अप कर सकता हूं। तो मैंने यही किया, मैंने काफी सारे पोकेमॉन को कैच किया जैसे कि स्पेरो टेटा नीटोरैन, तो इन सबको कैच करने के बाद फाइन तरीके से मैंने सारे पोकेमॉन को मिलाया एंड प्रोफेसर ओक के पास सेंड कर दिया, जिसके बाद प्रोफेसर ओक ने खुश होकर मुझे कुछ कैंडीज डिलीवर कर दी। अब इनसे लेवल अप तो नहीं होता, लेकिन हाँ क्विक कैंडी के यूज से अपने इस म्यूटो का स्पीड बढ़ा सकता हूँ, एंड ऑल्सो मैंने काफी स्पीड बढ़ा दी थी। एंड आफ्टर डेट हेल्थ कैंडी का यूज करते हुए मैंने म्यूटो की हेल्थ भी थोड़ी बढ़ा दी। तो अब बारी थी राइवल बैटल की, तो इस लौटने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक पीजी था एंड एक उसका छोटा सा ईवी, तो मैंने इन दोनों को हराया। एंड उसके बाद मैं निकल पड़ा वेडियन फॉरेस्ट को, जहाँ पर ऑफकोर्स और बहुत से ट्रेनर्स थे तो जिनसे मैंने बैटल ली। एंड छोटे मोटे पिद्दी ट्रेनर्स को मैंने दो ही सेकंड के अंदर कूट डाला एक्चुअली। एंड फिर अपन लोग आगे प्यूटे सिटी के अंदर, जहां पर मुझे ये नल्ला सा दोस्त मिला। भाई मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो भाई चाहिए अपनी क्यूट सी नेट जॉय। हाँ मैं बुराक की तरह थोड़ा बहुत। बाय द वे अब मैं निकल पड़ा था अपने नेक्स्ट जिम के लिए, तो यहाँ पर था अपना ब्रॉक का जिम। एंड इसके अंदर मुझे बोला सिर्फ ग्रास एंड वाटर टाइप पोकेमॉन लेके मैं जा सकता हूँ, बट आई हैव म्यूटो, मतलब इसको देख के भी मेरे को निकाल देने। भाई म्यूटो की तो बहुत बेइज्जती होगी भाई यहाँ पर। तो बाय द वे इस म्यूटो की बेइज्जती करवाने के बाद अपन लोग थोड़ा दूर और निकल पड़े, बहुत मेहनत करते करते दिन भर मेहनत की। एंड फिर मुझे मिला एक प्यारा सा ऑडिश जिसको मैंने कैच कर लिया तुरंत ही। एंड उसके बाद मैं बैक आ गया जिम में एंड दिखा दिया ऑडिश को। बाय द वे ऑडिश के लेवल मेरे म्यूटो से ज़्यादा थी। बाय द वे जो भी हो फिलहाल मुझे एंट्री मिल चुकी थी। एंड इसी खुशी के साथ अपन ने इस ऑडिश को दे दिया प्रोफेसर ओक को, जिससे मुझे मिला स्मार्ट कैंडी एंड इससे मैंने अपने म्यूटो का स्पेशल अटैक बढ़ा लिया। एंड इसी के साथ साथ हम लोग फिर से और मेहनत की और निकल लिए थे अपने नेक्स्ट जिम, मतलब फर्स्ट जिम के लिए। एंड इसके जो चमचे थे ना उन सबको हमने बीट करा एंड फिर हम लोग आगे ब्रॉक के पास। तो भाई ये था जिम लीडर, भाई ब्रॉक सबसे बेस्ट है। एंड भाई जी उसके पास था एक जियो डूड जो कि छुट्टू सा एक ही शॉट में फिनिश, भाई फिनिश लगभग हो ही गया था। एंड इसके शॉट तो भाई लग नहीं रहते, तो हमने अपने सेकेंड कन्फ्यूजन का यूज़ किया एंड इस छोटे बच्चे को फिनिश आउट कर दिया। एंड अब भाई ये ख़त्म हो चुका था, तो आया बड़ा स्नेक ऑनिक्स। एक्चुअली मैं इस पोकेमॉन से बहुत डरता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा। तो भाई एक ही शॉट में मैंने इसकी लंका नहीं लगा पाया, एक्चुअली थोड़ी डैमेज गई थी बट इतनी ज़्यादा भी नहीं जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, बट कोई बात नहीं। फिर मैंने दूसरा कन्फ्यूजन मारा इसके मुंह पर एंड फाइनली ऑनिक्स गॉन। तो इसी के साथ साथ हमने जीत लिया था अपना फर्स्ट टीम बैच जो कि था अपना बोल्डर बैच। एंड अब ब्रॉक दादा बाय बाय। एंड हम लोग ये कह के नीचे निकल रहे थे कि अचानक से अपन लोगों को दिखा ब्लू, हाँ इसका नाम ब्लू ही है भाई, मेरे को पोकेमॉन पकड़ना सिखाने आया था तो ये निकल गया। तो फिर मैं भी निकल पड़ा इस साइड से, बट मुझे जाते जाते मिल गया कुछ कोच ट्रेनर्स जो कि एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा ही काम के होते हैं। ये मुझे हराने के बाद कुछ स्पेशल आइटम देते, या तो मुझे TM मिलेगा या मुझे मिलेगा रेड कैंडीज, तो भाई बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो मैंने इसके साथ बैटल किया एंड इसके पास एक बल्बसॉर था जिसके मेरे म्यूटो ने बचा दी एंड मुझे मिला एक रिवाइव। तो भाई ये भी अच्छा ही था फिलहाल के लिए, मैं ये यूज़ तो नहीं कर सकता भाई। तो वे इसी के साथ साथ मैंने और म्यूटो ने डिसाइड किया म्यूटो की स्पेशल डिफेंस या डिफेंस को और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। एंड इसके लिए मुझे एक पोकेमॉन आज
मिला शैन शू, तो मैंने इसको तुरंत ही कैप्चर किया एंड इसके प्रोफेसरों के पास शैन करने के बाद मुझे मिला थोट कैंडी एंड इससे मैं अपने डिफेंस को बढ़ा सकता हूँ। फाइनली तरीके से तुमने बहुत से शैन को कैच किया, प्रोफेसरों को सैंड किया एंड फाइनली इससे मुझे बहुत ज़्यादा ही थोट कैंडी मिल गया, जिससे मैंने अपने म्यूटो का डिफेंस को इंक्रीज किया बिकॉज मेरे म्यूटो डिफेंस में काफ़ी कमजोर था। एंड आगे ये बंदा मेरे को बता नहीं लेडी बोल रहा था एंड ये मेरे को बोल रहा था इसके बाद बहुत ही अच्छी डील है, तो मैं सोचा चल भाई अपन डील कब तक करते हैं। 500 रुपये में एक मैजिक कार्ड दे रहा सीक्रेट पोकेमॉन, पागल दिख रहा होगा मैं देखो भाई दिव्य जो भी हो। फिर हम लोग आ गए एम्प्टी मून में एंड यहाँ पर मुझे मिले टीम ड्रैगन। ऑफकोर्सली इनसे मैं बैटल करने आया था बट इन्होंने मुझे ठुकरा दिया, बोला कि एक पोकेमॉन के साथ बैटल नहीं कर सकते, मतलब म्यूटू की कोई इज्जत नहीं है मेरे भाई, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम रखोगे। भाई दिव्य मैंने पैरस को कैच किया था एंड इसके साथ साथ मैंने इनसे बैटल कर ली 2v2 बैटल, बट मैंने सोचा सबसे पहले अपने पैरस को हटाते टीम में से बिकॉज ये लौंडा मेरे रूल में खिलाफ है, तो मैंने इसको हटा दिया एक कन्फ्यूजन अटैक से ही एंड उसके बाद मुझे सहना था टीम रॉकेट का खतरनाक अटैक्स, बेकार अटैक। तो मेरे म्यूटू ने दोनों अटैक को सहा एंड उसके बाद मेरे पास भी अटैक था स्विफ्ट, हाँ दोनों को एक साथ में मार सकता हूँ, तो मैंने एक स्विफ्ट मारा एंड फिर दूसरे स्विफ्ट के अंदर ही दोनों पोकेमॉन लिपट लिए टीम रॉकेट के, बेचारे मुझसे फाइट करेंगे। बाद में फिर मैंने उन पैरेस को दे दिया प्रोफेसर ओक को एंड इससे मुझे माइटी कैंडी मिला, जिससे मैं अपने म्यूटू का अटैक को इंक्रीज कर सकता हूँ एक्चुअली में। तो फिर मैं आ गया यहाँ से सेलन सिटी के अंदर एंड यहाँ पर अपना नेक्स्ट जिम, बट उससे पहले पोकेमॉन सेंटर में मुझे एक बंदा दिखा एंड ये बोल रहा था कि मेरे मेटो को जीपी जैप सिखाता था, जो कि एक्चुअली में एक पिकाचू का मूव है, मतलब पिकाचू का मूव सीख रहा है भाई मेरा स्टार्टर पोकेमॉन, तो ये एक स्टार्टर मूव है इसलिए जीपी जैप सीख सकता है मेरा मेटो, तो मैंने सिखा दिया उसको जीपी जैप, काम तो आ गई एंड उसके बाद मैं तुरंत ही निकल पड़ा मिस्टी के जिम के लिए। वाह कितना खूबसूरत हसीना है यहाँ पर, मैंने कहा था मैं ब्लॉक के टाइप का थोड़ा बहुत सॉरी भाई थी भाई, यहाँ पर मैं 15 लेवल के पोकेमॉन को छोड़ के नहीं जा सकता, मेरा म्यूटो बस 14 लेवल का है। अफ भाई साहब इस बार भी निकाल लिया जिम से यार, कोई इज्जत थोड़ी है म्यूटो की। भाई दे जो भी हो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं म्यूटो का लेवल देख लेता हूँ आगे कराने का, मतलब मुझे आगे बढ़ाना था म्यूटो का लेवल, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मेहनत की, मैंने अपने ड्राइवल के साथ बैटल किया, अपने सिर्फ हिसाब से उसे पलंग झपकती फिनिश किया, बाइक बहुत मस्त है यार जी की जैप। तो भाई दे उसके बाद मेरे म्यूटो का लेवल फिर भी नहीं बढ़ा, तो मैं तो कुछ और ट्रेनर्स को बीट करने निकल पड़ा यहाँ के एंड एक्चुअली में मैंने यहाँ के हर एक ट्रेनर को ढूंढ ढूंढ के पीटा, 5 मेन ट्रेनर को, बट उसके बाद भी मेरा म्यूटो लेवल अप नहीं हुआ, तो मुझे लास्ट वाला टीम रॉकेट बंदे को पीटना पड़ा, जिसको भाई मुझे मतलब जो चाहता था मैं उसके टीम में भर्ती हो जाऊँ एंड आफ्टर दैट फिर भी मेरा म्यूटो लेवल अप नहीं हुआ था, एक्चुअली 11 से रह गया था, तो मैंने और एक बंदे को हराया एंड आफ्टर दैट फाइन तरीके से मेरा म्यूटो लेवल अप हो गया लेवल 15 में। तो भाई अब मैं एंट्री ले सकता था मिस्टी के जिम में, तो मैंने वही किया एंड मैं आ गया मिस्टी के पास, जो कि एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ भाई दिव्य। उसके बाद मेरे इससे बैटल शुरू हो गया, इसके पास था पहले साइडक आई, तो मेरे पास भी म्यूटो एंड या मेरा म्यूटो एक ही सीपी से ऐप में साइडक की खेल लगभग खत्म करता है लगभग, तो उसके बाद साइडक का वाटर गन एंड लिटिल इज वेरी इफेक्टिव, तो फिर मैंने अपना सीपी ऐप के बदले कन्फ्यूजन यूज़ किया एंड दैट सी द रिजल्ट साइड अप गया एंड फिर आया इसका स्टार्मी, मैंने सोचा यार ये क्या ही पोकेमॉन है, इसको स्टार अटैक से हराता है स्टार्मी को, तो मैंने अटैक किया उसका स्टार वाला एंड मुझे नहीं पता था कि इसका अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं एक ही भाई जीपी जैप मारेंगे खत्म हो जाएगा पोकेमॉन, बट मैं रॉन्ग था या मैंने अपनी खुद की गलती की एंड मुझे अपनी गलती का सजा खुद भुगतना पड़ा, मैं मैच हार गया। मैं बोल नहीं सकता मैं कितना सैड था, मतलब भाई खुश होके मैंने गलती कर दी यार ज़्यादा एक्साइटमेंट में, बट फिलहाल मैं वापस आ गया था एंड मैंने साइड को हराया एंड उसके बाद इस बार मैंने कोई गलती नहीं की इसके बैटल के टाइम, तो मैं इस बार भी हारने वाला था बट भाई भगवान मेरे साथ थे, मैंने एक ही जीपी जैप किया एंड एक अटैक के अंदर ही फिनिश आउट कर दिया इसके पोकेमॉन को एंड मैं जीत गया उसका जिम बैच। तो फिर मैंने बहुत सारे बैनर के कैच किए एंड इनको प्रोफेसर ओक को डिलीवर करने के बाद मेरे को मिला कुछ करेज कैंडीज, जिसका यूज़ करके मैंने अपने म्यूटू का स्पेशल डिफेंस बढ़ाया बिकॉज वो स्पेशल डिफेंस में कमजोर था, इसलिए हम मिस्ट्री से पहले हार गए थे। तो इन सब के बाद मैं तुरंत आता हूँ बिल को बचाने, ऑफकोर्स वो पोकेमॉन बन के फिर रहा था भाई लौंडा, तो मैंने इसको रियल अवतार में लाया एंड इससे बहुत ज़्यादा खुश होकर मुझे दे दिया एसएसटी कैट, जिसको मैंने अपने एक दोस्त को दे दिया गैरी को एंड फिर फाइनली तरीके से हम लोग एक टनल की ओर ट्रैवल करते हुए फाइनली तरीके से आ गए थे विरिमन सिटी के अंदर एंड सिटी में जाने के बाद सबसे पहले हमें एसएसएनए के शिप में जाना था, जिसका टिकट मुझे बिल से मिला था, तो यहाँ पर मेरा जिगरी दोस्त कैरी था एंड ऑफकोर्सली ब्लू भी था, तो भाई फिर हमने ब्लू का अलविदा कहा एंड हम लोग आ गए कैप इनके कैबिन मैन, यहाँ से हमने सीखा बहुत ही मस्त अटैक सीक्रेट टेक्निक ऑफ चॉप डाउन। तो इसी के साथ साथ मैं इस शिप को कह देता हूँ बाय बाय मतलब अलविदा एंड
द टग ऑफ मेरे क्यूट से पिकाचू। एंड बाय द वे इसके बाद मैं चॉप डाउन करके आ जाता हूँ इस सेट के जिम में, जो कि था इलेक्ट्रिक टाइप जिम लीडर। अब इसका हेयर स्टाइल मुझे पसंद है एंड इसके पोकेमॉन को ज़्यादा ही पावरफुल है, तो एक ही पोकेमॉन ने इसके मेरे म्यूटो को 1 HP में छोड़ दिया था। बाय द वे फिर म्यूटो फट गया एंड अब मैं बहुत ज़्यादा ही सैड था, बिकॉज अब मेरे पास एक ही चीज़ था करने को, लेवल अप। तो मैंने बहुत मेहनत की एंड काफ़ी सारी कैंडीज को कमाई एंड इस सारी कैंडीज को मैंने म्यूटो को दी एंड मैंने अपने म्यूटो को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाया एंड लेवल अप भी किया। एंड उसी के साथ साथ मैं आ गया इस बंदे को हराने। इसके फर्स्ट पोकेमॉन को तो मैंने वही शॉट से हराया, दूसरे पोकेमॉन को भी हराया एंड उसके बाद इसका थर्ड पोकेमॉन मेन पोकेमॉन राइचू आ गया। एंड ये भाई बहुत ही ज़्यादा ओवरपावर्ड होता है, बट मैंने एक अटैक के सामने ये भाई बिल्कुल मतलब मेल्ट हो गया यार। एंड फिर इसका एक अटैक खतरनाक पड़ता है, बट डैमेज नहीं था इस बार बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी 1-2 घंटे तक। तो फिर फाइनली एक ही शॉट के अंदर मैं इस पोकेमॉन को फिनिश करके इसका जिम बैज लेता हूँ। एंड फिर जिम लीडर से जो मुझे TM मिलती है थंडरबोल्ट, वो मैं अपने म्यूटो को जिपी जैप के बदले सिखा देता हूँ बिकॉज थंडरबोल्ट का डैमेज ज़्यादा था। एंड फिर मुझे बाहर मिलते हैं मिस्टी एंड मैं और मिस्टी आ जाते हैं डिक्लेट केव में, जहाँ पर मैं डिक्लेट केव के अंदर जाके उसके बाहर के वाली साइड से सिखाता हूँ सीखे टेक्निक ऑफ लाइट अप अपने म्यूटो को। एंड उसके बाद मैं और गेरी मिलते हैं एंड गेरी मुझे ले आता है दूसरे साइड, जहाँ पर हम लोग जाते जाते थोड़ा और ट्रैवल करते हैं, कुछ ट्रेनर्स को भी बीट करते हैं। उसी बीच हम लोग ऐसा कर रहे थे कि अचानक से हमें मिल गया टीम रॉकेट, या वही वाली टीम रॉकेट जिसको हमने पहले कूटा था। एंड इन्होंने अपने बंदे बुला के मुझे खेल दिया था चारों साइड से, बट इस बार भाई मैं यहाँ पर अकेला नहीं था, यहाँ पर थे अपनी लॉरेली जो कि लाइटफुट की एक मेंबर है। एंड फिर मैंने और लॉरेली ने मिलकर भाई डिसाइड किया कि हम इन बंदों को कूटेंगे। तो भाई साहब मैं तो भाई पीरो बंदा था, मेरे मैं अकेले इनको कूट सकता हूँ, तो मैंने म्यूटो से इनको कूटा। एंड उसके बाद मैं निकल पड़ा यार डार्क केव की ओर। एंड यहाँ पर मेरे पिकाचू ने मतलब म्यूटो ने ही सब कुछ लाइट अप किया, पिकाचू बस एनिमेशन का है। एंड उसके बाद मैंने यहाँ के लेजेंडरी ट्रेनर्स को हरा के यहाँ से निकल पड़ा लेवेंडर टाउन की ओर। ऑफकोर्सली लेवेंडर टाउन इस सिटी का बहुत खतरनाक टाउन है। एंड उसके बाद भाई ये मुझे आते ही यहाँ पर एक छोटा सा कीबोर्न दिखा जो कि अंदर घुस पड़ा था एंड इसके पीछे पीछे मेरा नल्ला दोस्त जो कि था घोस्ट चार्ट के अंदर चला गया था। तो मैं भी निकल पड़ा अंदर एंड मुझे ये लौंडा बोल रहा था कि क्या तुम्हारा कोई पोकेमॉन मरा है, भाई तू पागल है क्या। मैं जब फिर मेरे इसके साथ बैटल शुरू हो चुकी थी, तो मैंने इसे तुरंत ही अपने पोकेमॉन के थ्रू हरा दिया कि मैं कितना पावरफुल हूँ। लिटरली इसके अटैक लग ही नहीं रहते, बट मैंने इसको बीट किया एंड लास्ट में कन्फ्यूजन होकर खुद ही मर गया। तो फाइनली इसको बीट करने के बाद हम लोग आए ऊपर एंड ऊपर आने के बाद हमें दिखा भाई साहब एक बहुत ही खतरनाक नज़ारा। एक्चुअली मैं यहाँ पर मैं शॉक हो गया एक भूत को देख के, यहाँ आपको से छोटा मट्टा भूत एंड अफकोर्स ये भग गया भाई यहाँ से, बट मैं थोड़ा जिगर वाला था तो कीबोर्ड ने आके मेरे को बचाया। एक्चुअली मैं तो मर ही जाता यहाँ पर। एक्चुअली मैं घोष से बहुत डरता हूँ, बहुत फटते मेरे भूतों से भाई। एंड फिर कीबोर्ड नीचे चला आता है एंड मेरा कोई काम नहीं था, मैं नीचे आता हूँ एंड मुझे देखने को मिलता है कि टीम रॉकेट कीबोर्ड को किडनैप कर रही है बोल के कि इसकी मम्मी के पास इसे ले जाएगी। एंड ये लोग अपने बॉस के पास जीवानी के पास ले गए नेक्स्ट सिटी में उसके। तो फिर मैं एक हीरो की तरह निकल पड़ा कीबोर्ड को बचाने के लिए एंड उसी रिश्ते में मैं आ गया स्लेडन सिटी के अंदर। एंड यहाँ पर मुझे ब्रॉक मिला जिसने मुझे कुछ प्लीटर क्रंचीज पहले तो दी एंड उसके बाद उसने मेरे को टी भी दिया। एंड इन सबको लेकर फाइन तरीके से मैं निकल पड़ा कि सुपर मार्केट में। एक्चुअली जीवानी बाद में देखा जाएगा, बट बाई द वे सुपर मार्केट पर काफ़ी अच्छी से अटैक थी, बट मेरे जेब खाली थी तो मेरे पास शेडो बॉल ही खरीद पाया जो कि 30,000 का था। एंड इसको तुरंत ही मैंने अपने म्यूटो को सिखा दिया स्विफ्ट का बदला, यहाँ इट्स पावरफुल अटैक बाई द वे। एंड उसके बाद फाइन तरीके से मैं आपके गेम सेंटर में आया, जहाँ पर मुझे टीम रॉकेट के दो नमूनों से पता चला कि यहाँ पर कोई सीक्रेट पोस्टर है एंड जिससे एक हिडन रास्ता खुलता है। तो मुझे पोस्टर के सामने एक बंदा दिखा जिसको मैंने तुरंत ही कूटा एंड आफ्टर डेट मैंने सीक्रेट पोस्टर को क्लिक करते ही एक रूम खुल गया जो कि सीक्रेट कैबिन था टीम रॉकेट का। एंड यहाँ पर आने के बाद एक लड़की ने मेरे को यहाँ से टीम रॉकेट सेट दिया जिसको मैंने तुरंत ही पहन लिया ताकि मैं थोड़ा म्यूटो की तरह दिखूँ। एंड ये लग रहा है ना म्यूटो और अपन बिल्कुल भाई भाई। तो उसके बाद मुझे यहाँ पर एक बंदा दिखा जिसके पास लिफ्ट की था जिससे मैं जीवानी के पास पहुँच सकता हूँ, बट इसने साइड में इसे फेंक दिया। बट अपन लोग भी भाई प्रो थे यार, अपन भी प्रो थे यार। मैंने अपने चूहे को बजाया, इस चूहे ने अपनी कलाकारी से इस की को हासिल कर लिया। तो उसके बाद इस की का यूज़ करके हम आए जीवानी के पास। एंड इससे बैटल करने से पहले अपन को इसके इस चमचे को हराना पड़ेगा जिसका नाम है आज छेद। तो भाई इस लौंडे के पोकेमॉन को तो भाई मैंने सेकंडों में हरा दिया। एंड अब इसको हराने के बाद बाइट था जीवानी की एंड मैं इससे इस छोटे मतलब छोटे से पोकेमॉन को बचा सकता हूं। तो भाई ये बहुत ही बड़ा बैटल होने वाला था। तो इसके साथ साथ हमारी बैटल शुरू हो गई जीवानी से एंड ये पर्शियन जिसका डैमेज लो था, बट हमने इसको एक ही शॉट से पता चला दिया कि बाप कौन है। एंड आफ्टर इसका नेक्स्ट पोकेमॉन आता है राइहॉन जिसको मैंने अपने शैडो बॉल से ही बिल्कुल खल्लास कर दिया था। तो एक शॉट से तो मरा नहीं था, तो दूसरे शॉट में इसकी मैंने यहाँ से नानी याद दिला दी एंड जियोवानी को हरा दिया। तो फाइनली जियोवानी हारते हारते मुझे यहाँ पर एक स्कोप देता है एंड कीबोन को भी वापस कर देता है। तो फाइनली इसी के साथ साथ हमने जियोवानी को बीट कर दिया था। एंड अब आए थे आकर जिम को बीट करने का जिसके अंदर थी इरिका द जिम लीडर।
एंड बाई द वे ये काफ़ी शांत किस्म का जिमलेटर है, तो इससे हमारी बैटल शुरू होने वाली थी। एंड इसके स्पेशल पोकेमॉन तक ग्रास्ट है, मतलब अपने पास सुपर इफेक्टिव है इसके ऊपर। एंड इसके ज़्यादातर पोकेमॉन ग्रास एंड पोइजन होते हैं, तो भाई सुपर इफेक्टिव डबल वाला है इसके ऊपर, ठीक है, 4x चैमच पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका वाइल्ड प्लूम आता है जो कि इसका मेन पोकेमॉन था, जिसको मैंने एक शॉट से बीट किया। मतलब इसके सारे ही पोकेमॉन लगभग मेरे मीटो से वन शॉट ही बीट हो गया, मतलब इजिएस्ट जिम था मेरा ये। तो मैंने इसका जिम बैच कलेक्ट की एंड आफ्टर दैट मैंने अपने म्यूटो को सिखा दिया सीक्रेट टेक्निक ऑफ स्काई डैश, जिसका यूज़ करके मैं निकल पड़ा लेवेंडर टाउन में। एंड यहाँ पर मुझे मिला एक बहुत ही खतरनाक वाला बड़ा सा घोस्ट, बड़ा भूत, जिसको देख के भाई फट गई मेरे दोस्त की गैरी की। तो बट हाँ, असल में हमने अपने स्कोप का यूज़ किया यहाँ पर, एंड सिर्फ स्कोप का यूज़ करने के बाद हमें दिखा कि ये भूत और कोई नहीं कीबॉन की माँ है, जिसको मार दिया था टीम रॉकेट ने। तो बाय द वे फिर कीबॉन अपनी मम्मी को बुलाता है, बट ऑफकोर्स वो घोस्ट थी एंड अपन भी कुछ नहीं कर सकते यार यहाँ पर। तो इसकी मम्मी यहाँ से निकल लेती है। इस सीन को जितनी बार भी मैं देखता हूँ पता नहीं दिल में दर्द सा होता है। तो फिर मैं इन सब के बाद सबसे टॉप पे आ गया। ऑफकोर्सली मिस्टर फोजी यहाँ पर कैद थे, तो मैं इनको बचाने आया था, बट अब टीम रॉकेट इससे कुछ पावरफुल चीज़ चुराने आई थी। अरे अरे भाई साहब, ये लोग हमेशा ही परेशान करते रहते हैं, बट मैं हूँ पावरफुल ट्रेडर, मैं इनसे बैटल करके इनको हराऊंगा। बट एक सेकेंड भाई, इनने फिर से टुकड़ा दिया मेरे को, कोई बात नहीं, मैंने अपने टीम में और एक पोकेमॉन रख लिया ताकि मैं इनको हरा सकूँ। एंड बाय द वे ये लोग पता नहीं मीटो को जितने देते भाई, मीटो को भाव नहीं देते। एंड बाय द वे अब मैंने मीटो को कर देता हेल्पिंग हैंड एंड एक स्पाई बीम से इसका एक पोकेमॉन तो किया, एंड आफ्टर डैट इसका नेक्स्ट पोकेमॉन ने मेरे ग्राउलेट को पीट डाला। बाय द वे फिर मीटो ने फाइनलिटिक से आरबो को हराया एंड इसी के साथ साथ जैसी जेम्स हारी एंड हमने बचा लिया था मिस्टर फोजी को। एंड उसके बाद इन्होंने खाने पर अपने घर पर इन्वाइट किया मुझे, एंड मुझे मिला एक प्यारा सा पोके फ्लैट, जिसके मैं स्नॉलेक्स को उठाने और क्या या मोटा पोकेमॉन स्नॉलेक्स क्या कर रहा मैं ये सब भाई देवी, जो भी वो फिर स्नॉलेक्स उठ के बहुत खतरनाक तरीके से मेरे पर रोल करने लगा। एंड मैंने इसे रन कर लिया बिकॉज मुझे चाहिए नहीं है कोई भी पोकेमॉन। एंड फिर मैं रोड 17 से होकर आ गया था फ्यूचर सिटी में, एंड इस सिटी में था और एक ट्रेनर, मतलब मूव ट्रेनर, एंड ये मेरे पिकाचू को सिखा रहा था स्लीफी स्लैप, हाँ यही नाम शायद से इसका है। भाई देवी इससे मेरा पिकाचू सॉरी म्यूटो कर सकता है सर्फ अटैक, ठीक है पिकाचू कह देता हूँ, आई एम सॉरी यार। भाई देवी फिर मैं आता हूँ यहाँ के जिम लीडर के पास जिसका नाम है कोगल। तो कोगल ने यहाँ पर कहा था कि मुझे 50 स्पीशीज के पोकेमॉन को कैच करना होगा, मैंने अभी तक सिर्फ 90 स्पीशीज के पोकेमॉन को कैच किया है। तो भाई अब मैंने अपना खून पसीना बहाया, भाई देवी उसी बीच हमने सारे पोकेमॉन को कैच किया एंड फिर हम कोगल के पास आए। एंड ये बंदा भाई बोल रहा था कि खुद ही कोगल है, मतलब खुद टेस्ट ले रहा था हमारी, जो भी चोर भाई निंजा चोर। एंड फिर मैं सारे पोकेमॉन जो मैंने कैच किए थे खून पसीने से और बहुत मेहनत से उनके प्रोफेसरों को सैंड किया, एंड फिर मैं आके कोगा के पास उससे बैटल करने को। तो निंजा अपना निंजा पंजे वाली हथौड़ी की शक्ति दिखा रहा था, निंजा हथौड़ी जिसके पता नहीं कहाँ कहाँ टैटू है। बाय द वे फिर मेरी इससे बैटल शुरू हो गई एंड इसके पास था एक कॉफिंग, हाँ इसको ये बोलता है। बाय द वे इस पोकेमॉन के सामने मेरा म्यूटो सुपर इफेक्टिव है बिकॉज ये है कौन सा टाइप है, पॉइजन टाइप ऑफकोर्सली, तो इसको वन शॉट लिया हम नहीं हरा पाए, बट इसके टॉक्सिक अटैक ने हमारी म्यूटो की फाड़ के रख दी। टॉक्सिक अटैक जितना टाइम ज़्यादा जाता है उतना टाइम ज़्यादा डैमेज देता है, तो मैंने इस पोकेमॉन को तो फिनिश आउट किया बट टॉक्सिक अटैक मेरे को मार रहा था अंदर ही अंदर से। अब मेरे म्यूटो के पास कोई अटैक करने को था ही नहीं बिकॉज उसके ओपोनेंट के पोकेमॉन बार बार कर रहे थे प्रोटेक्ट, तो मेरा म्यूटो पिट गया यहाँ से। भाई दिल में दर्द रहता है यार, बट कोई बात नहीं। फिर मैंने बहुत देर तक मेहनत की, दिन रात मेहनत की, सुबह शाम मेहनत की एंड म्यूटो को बहुत अच्छा लेवल अप करवाया मैंने एंड कुछ मूव भी सिखाए अच्छे। एंड उसके बाद मैं आ गया कोगा से अपना बदला लेने। फर्स्ट पोकेमॉन ऐसे गया उसका, सेकंड पोकेमॉन वेनोनेट, ये कहाँ टिक पाएगा, हमारे सामने पैरालाइज हो गया ये। एंड इसके अटैक तो भाई लग नहीं रहता है, तो मैंने इसको फिनिश आउट किया एंड इसी के साथ ही मर गया। अब उसका नेक्स्ट पोकेमॉन गोलबेट का वन शॉट एंड इसके लास्ट मक को दो शॉट में फिनिश। हरा दिया हमने कोगा को भी। तो इसी के साथ मैंने एक न्यू जिम बैच जीता एंड उसके साथ ही मेरे मीटो ने सीखा यहाँ पर सर्व करना। तो उसके साथ हम सर्व करते करते आ गए एक लेजेंडरी पोकेमॉन को हराने जिसका नाम था ज़ेपाडोसा, ऑफकोर्स डोसा पोकेमॉन। एंड फिर यहाँ पर मुझे ज़ेपाडोसा मिल भी गया था और भाई साहब इसको लगता है ये हमको हरा देगा, बट इसको पता नहीं हमारे पास है शैडो म्यूटो की ताकत है। तो इसके साथ बैटल शुरू हो गई एंड एक्चुअली में मैंने इसके साथ बैटल की तो मेरे को पता चला कि मेरा म्यूटो नूबड़ा है। या मैंने देखो बहुत टाइम तक मेहनत की बट कुछ नहीं हुआ एंड आफ्टर डेट में आ गया सेफ्रॉन सिटी के अंदर। तो फिर मैं सिटी में घूम ही रहा था कि मुझे मिलते हैं टीम रॉकेट। अब ये तीन नमूने यहाँ पर आए थे बिकॉज इन सिटी पे पूरा टीम रॉकेट का कब्जा हो चुका है एंड इन तीन नमूनों को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था। तो ये लोग भाई इन सबको हटा के अंदर घुस गए एंड फिर हम लोग भी अंदर आए एंड मेरे दोस्त गैरी एंड ब्लू भी अंदर आया। तो यहाँ पर था पूरा शिल्ड स्कोप जहाँ पर प्रेसिडेंट रहते हैं एंड पूरे जगह पे इन टीम रॉकेट ने कब्जा कर रखा है। तो अभी हमको ब्लू को हरा के साबित करना होगा कि हम यहाँ पर काबिल है
तो भाई मेरा म्यूटो यार ब्लू के फर्स्ट पोकेमोन से बहुत डैमेज हो गया, बट हमने इसको हरा डाला एंड फिर ब्लू का आया चारिज़ार्ड। तो भाई साहब इसको तो मैंने एक ही शॉट से ही औकात दिखा दी। तो इसी खातिर हमने ब्लू को हराया एंड उसके बाद हम लोग आ गए टॉप पे। एंड यहाँ पर आने के बाद अपन लोग को दिखा आर्चर एंड उसके एक साथ में लॉन्डिया थी। तो भाई जो फिर मेरे साथ भी आ गया मेरा दोस्त गैरी एंड मैं और गैरी मिलकर आराम से इन बंदों को कूट देते हैं। एंड फिर ये लोग भाग रहे थे कि अचानक से ये लोग कुछ ड्रॉप करते हैं जो कि थे की। एंड इस की कार्ड की मदद से मैं आ गया यहाँ पर जियोवानी के पास जो कि प्रेसिडेंट को धमका रहा था कि हमें मास्टर बॉल दे दो वरना हम तुम्हारा गेम बाजार डालेंगे। तो यहाँ पर इसको पता नहीं था कि एक हीरो है जिसका नाम एलिक्स एंड वो आ चुका है सबकी बचाने। तो बाय द वे मैं टीम रॉकेट का ड्रेस पहन के जियोवानी को हराने आ गया था एंड मैंने इस लॉन्डे को बहुत इजी तरीके से बीट कर डाला इसके सारे पोकेमॉन्स को ही। मतलब भाई गजब लेवल की बेइज्जती हो गई थी जियोवानी के यहाँ पर। बाय द वे हारने के बाद ये लॉन्डा निकलता है एंड अपन लोग मिलते हैं मास्टर बॉल। तो फिर मैं आके सिटी के जिम लीडर के पास एंड लिटरली अंदर से जिम बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत था, बट इस जिम में एक रूल था कि मुझे लेवल 45 से ज़्यादा का पोकेमॉन लाना पड़ेगा एंड मेरा म्यूटो था लेवल 44 का। साथ ही साथ जो जिम लीडर की पोकेमोन थी वो भी 44 लेवल की थी। तो अकॉर्डिंग टू आवर रूल हम जिम लीडर के पोकेमोन से ज्यादा लेवल अप नहीं कर सकते। तो जिम लीडर का हाईएस्ट पोकेमोन का लेवल है 44, बट यहाँ पर हमें 45 ही रिक्वायरमेंट मांग रहा है। तो अपन ने कर दिया एक रूल को ब्रेक एंड लगा दिया एक रेड कैंडी के साथ म्यूटो का लेवल अप एंड इसी के साथ फाइनली म्यूटो लेवल 45 का हुआ एंड हम लोग आगे जिम लीडर सबरीना के पास। भाई साहब इन्होंने रूल ब्रेक करवा दिया यार हमारा एक तो। भाई तुम्हें जो भी हो फिर हम आ गए जिम लीडर के पास एंड शी इज़ रियली पावरफुल। इसका फर्स्ट पोकेमॉन था मिस्टर माइमो एंड इसके ऊपर मैंने पहले तो एक अटैक मारी, बट उसके बाद इसने यहाँ पर सबसे खतरनाक चीज़ कर दी जो कि था लाइट स्क्रीन। अब मेरे हर अटैक का डैमेज आधा घट जाएगा। तो मैंने फिर से और एक अटैक मारी जिससे मिस्टर माइम तो मारा, बट अब मेरा अटैक आधा घट चुका था इसलिए अली एग्जाम वन शॉट ली नहीं मारा, दो शॉट लगे मुझे मारने में। बट फिर फाइनल तरीके से मेरा स्लो ग्रो आया एंड मतलब ओपोनेंट का स्लो ग्रो जिसको मैंने बीट किया एंड उसके बाद उसके फाइनल पोकेमॉन जिंक्स को भी मैंने बीट करके जिम लीडर सबरीना को हरा दिया एंड ऑफ कोर्स उसका जिम बैच जीत लिया था हमने मार्च बैच। एंड इसी के साथ साथ फिर मैं और मेरे पिकाचू वाला म्यूटो निकल पड़े थे और एक आइस केव के अंदर। बट यहाँ पर आके अपन लोगों को पता चलता है कि मैंने तो स्ट्रेंथ लेना ही भूल गया। तो मैं वापस स्ट्रेंथ लेता हूँ एंड सीक्रेट टेक्निक ऑफ स्ट्रॉन्ग पुश लेने के बाद फाइनल तरीके से मैं आ जाता हूँ यहाँ पर एंड यहाँ पर मुझे मिलता है कोच ट्रेनर। तो इस बंदे को मैं तुरंत ही हराता हूँ एंड मुझे यहाँ से मिलता है रेड कैंडीज। एक्चुअली मुझे और रेड कैंडीज मिले थे कुछ ट्रेनर से एंड उसके बाद मैं आर्टिकुनो को भी हराने आता हूँ एंड भाई साहब इसको लगाता है ये मुझे हरा देगा, बट इसको बता दिए भाई अपने पास है म्यूटो एंड इसके पास फ्लेक थ्रोअर जो कि एक ही शॉट में आर्टिकुनो को बहुत बजा देता है। बट आर्टिकुनो भाई बहुत अच्छा डैमेज कर रहा था, बट फाइनल तरीके से मैं इसको हरा देता हूँ एंड ऑफ द डे। एंड उसके बाद हम लोग बाहर आते हैं एंड रोड 22 से ट्रैवल करते हुए हम लोग आ जाते हैं चिमीबार आइलैंड के अंदर। एंड इस आइलैंड के अंदर जो जिम होता है वो बंद होता है, तो ऑफकोर्स हमें जिम के ढूंढना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन लोग जिम के ढूंढने के लिए अंदर के एंड सीक्रेट के को ढूंढ के हम लोग आ गए चिमीबार आइलैंड के जिम के अंदर। तो इस जिम का जिम लीडर था ब्लेन जिसको भाई मुझसे कुछ क्विज करवाना था, तो मैंने कंप्लीट किया सारी क्विजेस एंड उसके बाद फाइनल तरीके से हम लोग आके ब्लेन से बैटल करें। तो इसका फर्स्ट पोकेमॉन था मैगमार, बट अपने म्यूटो के पास तो भाई सब अलग ही लेवल के अटैक है। तो हमने एक पोकेमॉन को वन शॉट ले उड़ाया, दूसरे पोकेमॉन को वन शॉट ले उड़ाया, तीसरे पोकेमॉन को वन शॉट ले उड़ाया, चौथे पोकेमॉन को भी वन शॉट ले उड़ाया, नहीं उड़ा पाया सॉरी। तो यार चौथा बुक नाइंटी था जो कि पावरफुल था एंड मुझे इसको उड़ाने के लिए चाहिए था एक अच्छा सा अटैक, बट इसका अटैक मिस हो गया एंड फिर मैंने इसको फाइन तरीके से अपने एक अटैक के साथ उड़ा दिया एंड जिम लीडर को बीट कर दिया विदाउट एनी डैमेज। तो फिर हमने लिया वेल्केनो बैच को एंड इसी के साथ हम लोग निकल पड़े प्रोफेसर ओक की लैब में, बिकॉज अब हमें मेगा म्यूटो का स्टोन मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमें की स्टोन मिला एंड फिर इसने मुझे दिया चार्जर एक्शन भाई, अरे एडिट करो भाई कोई से, हाँ अब ठीक है। तो इसको लेके मैं अपने 8वीं जिम में निकल पड़ता हूँ जो कि था जियोवानी का जिम, जो कि एक्चुअली बहुत पावरफुल तगड़ा बनता है। इसको मैं 3 बार हरा चुका बट अब जिम में भाई बहुत पावरफुल बनने वाला है। तो भाई इसके कुछ चमचों को हराने के लिए मैंने अपने मेगा म्यूटो एक्स का यूज़ किया जो कि एक्चुअली में बहुत ऑसम लग रहा था एंड एक ही शॉट में ख़त्म कर दिया। एंड फिर हम लोग आ गए जियोवानी के पास। आई एम द लीडर ऑफ द टीम रॉकेट। भाई देखिए ये लौंडा काफ़ी पावरफुल है, बट मैं भी और तो भी ज़्यादा पावरफुल इस सम। तो इसका फर्स्ट पोकेमॉन था डक टू यो, तो मेगा म्यूटो वाई बाहर आया इसके लिए। भाई कितना ऑसम लग रहा शैडो मेगा म्यूटो वाई। तो भाई देखिए इसने अपने एक ही शॉट के अंदर ओपोनेंट पोकेमॉन की बजा डाली एंड फिर दूसरे शॉट के अंदर दूसरे पोकेमॉन की, तीसरे शॉट के अंदर तीसरे पोकेमॉन की एंड चौथे शॉट के अंदर चौथे पोकेमॉन की। तो फाइनली हार गया जियोवानी एंड हमें मिला अपना अर्थ जिम बैज। तो अब मैं रेडी था ज़ेब्रा को वापस हराने के लिए। हाँ पहले मैं इसे हार गया था, बट इस बार भी मैं इसे हारते हारते जीता हूँ भाई बहुत मुश्किल से। तो भाई देखिए ज़ेब्रा को हराने के बाद मैंने इसको तुरंत इग्नोर किया एंड मैं निकल पड़ा अपने पोकेमॉन लीग के लिए। तो यहाँ पर कुछ लोग मेरे जिम बैज को ट्राई कर रहे हैं, मतलब देख रहे थे एक्चुअली एंड ये सबको वेरीफाई करते करते मैं पहुँच गया था एक लेजेंडरी पोकेमॉन मोल्ट्रस के पास। अब भाई ये काफ़ी खतरनाक तो नहीं था बिकॉज अपने पास था मेगा म्यूटो वाई। तो भाई इस लॉन्डे ने एक ही शॉट के अंदर बजा दी मोल्ट्रस की, एक्चुअली दो शॉट में हमने फिनिश ही कर दिया इसको
एंड फिर हमने भी इसको इग्नोर किया एंड वापस से हम निकल पड़े अपने सफर पे, जहाँ पर था हमारा मंजिल पोकेमोन लीग को हराना विद ए सिंगल म्यूटो। तो भाई अपन लोग भाई रेडी थे शैडो म्यूटो के साथ हराने के लिए पूरे के पूरे पोकेमोन लीग को। एंड देखो मैंने छोटे से चूहे को क्या ही सजा है भाई, सनग्लासेस लगा के। तो भाई जब फिर अपन लोग बिल्कुल रेडी थे पोकेमोन लीग के लिए, तो अपन लोग निकल पड़े मैं और शैडो म्यूटो अकेले ही। एंड यहाँ पर जाने के बाद पोकेमोन लीग में फर्स्ट यहाँ पर इलाइट फोर लोरेली थी, जिसके साथ मिलकर हमने पहले बैटल की थी। तो अब हमें इलाइट फोर को हराने के लिए म्यूटो को लेवल अप करवाना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंग टू आवर रूल हम अपने ओपोनेंट से ज्यादा लेवल अप अपने पोकेमोन को नहीं करा सकते। तो इसी खातिर मुझे अपने म्यूटो को लेवल अप कराना पड़ेगा एक लिमिटेशन में। एंड यहाँ पर जो पूरे के पूरे चैंपियन एंड इलाइट फोर का है उनमें से सबसे पावरफुल पोकेमोन है चैंपियन के, एंड उसका हाई रैंक वाला मतलब सबसे पावरफुल पोकेमोन जो उसका लेवल है 57 लेवल का। तो मुझे अपने म्यूटो को 57 लेवल के अंदर रखना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने अपने म्यूटो का लेवल 55 करवाया। एंड इसी के साथ साथ मैंने म्यूटो सीख गया था रिकवरी अटैक, तो भाई अब तो बहुत धमाका होने वाला है। और फिर मैं आ चुका था फर्स्ट इलाइट फोर लॉरेली से बैटल करने। तो बाय द वे ये लोहंडिया बहुत पावरफुल है बिकॉज इसके पास आइस एंड वाटर टाइप पोकेमोन है, मतलब फायर टाइप मूव इसके बाद ज्यादा यूज नहीं होंगे, इलेक्ट्रिक टाइप मूव थोड़ा यूज हो सकते हैं। तो अपने म्यूटो के पास था थंडर बोल्ट, तो मैंने मेगा म्यूटो वाइक करे बिना ही थंडर बोल्ट फेंक दिया, एंड ये मेरी गलती थी जिससे मुझे थोड़ा बहुत डैमेज पड़ा। बट फिलहाल मैंने स्पोकन को फिनिश आउट किया एंड अपने म्यूटो को कर दिया था मेगा म्यूटो वाई में इवॉल्व। अब एक ही शॉट के अंदर इसका नेक्स्ट पोकेमोन बहुत लो हुआ था जिंक्स, एंड इसने फिर अपना लवली किस दिया मेरे म्यूटो को। भाई म्यूटो सो गया भाई ये, एंड फिर कुछ अटैक खाने के बाद फाइन तरीके से अपना म्यूटो उठता है एंड एक थंडर बोल्ट के साथ इसके पोकेमोन को फिनिश आउट करता है। एंड फिर हम लोग रिकवर भी करते हैं म्यूटो को एंड थंडर बोल्ट से ओपोनेंट को फिनिश करते हैं। एंड इसी के साथ साथ मैं इसके लैपटॉप को फिनिश करता हूँ एंड ऑल्सो इसके स्लो ब्रो को भी अपन लोग यहाँ से फिनिश कर देख के इसको हरा देते हैं। तो फर्स्ट इलाइट फोर डन एंड अब सेकंड इलाइट फोर ब्रूनो का टाइम है। तो ये लॉन्डर भी बहुत पावरफुल है, इसका फर्स्ट पोकेमोन ऑनिक्स था बट ही डोंट नो आई हैव सर्फ अटैक। तो एक ही शॉट के अंदर खत्म फर्स्ट पोकेमोन, सेकंड पोकेमोन में चैम, तो एक ही शॉट के अंदर वो भी गया, थर्ड पोकेमोन भी वन शॉट, फोर्थ पोकेमोन भी फोर्थ वन शॉट, फिफ्थ भी वन शॉट, एंड ये इलाइट फोर सस्ते में निकल लिया। एंड उसके बाद मैंने म्यूटो को सेटो बॉल सिखाया थंडर बोल्ट को हटा के, बिकॉज मैंने कहा था मैं हर बार अपने मूव को चेंज करने वाला हूं इलाइट फोर के टाइम। तो इस बार हम आ गए गोथरा से बैटल करने एंड इसके पास था फर्स्ट पोकेमोन आरवोक जो कि चला गया वन शॉट से ही, दूसरा पोकेमोन भी वन शॉट, थर्ड पोकेमोन वन शॉट, फोर्थ पोकेमोन वन शॉट, फिफ्थ पोकेमोन वन शॉट, एंड अब गोथरा फिनिश। तो अब हमें जाना था लेंस के पास जिसके पास है ड्रैगनाइट एंड ड्रैगन टाइप बहुत पावरफुल इलाइट फोर है। इसका फर्स्ट पोकेमोन था सीट्रा जिसको हमने एक शॉट से फिनिश किया, सेकंड पोकेमोन एरोडैक्टाइल जिसके हमने मेगा मीटर वाई के यूज किया एंड फिर तुरंत हमने एक शॉट मारा एंड ये भी भाई वन शॉट ली, थर्ड पोकेमोन भी वन शॉट, फोर्थ पोकेमोन भी वन शॉट, फिफ्थ पोकेमोन भी वन शॉट नहीं हो पाया। हाँ ये पावरफुल था, इसका आउटरेज भी पावरफुल था। तो बाय द वे तुम देख सकते हो मेरे पोकेमोन भाई अलग ही लेवल के, बिल्कुल अलग लेवल के भाई, सबको वन शॉट कर रहा है मेगा मीटो वाई। तो अगर तुम्हारे पास मेगा मीटो वाई है तो तुम इलाइट फोर को बहुत इजीली वन शॉट कर सकता, मैं ये पता चल गया। बट अब बारी थी चैंपियन बैटल की एंड ये मेरा दोस्त कैरी है, तो इसके पोकेमोन भाई बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो फाइनल तरीके से मेरे और कैरी के बीच बैटल शुरू होगी, बट फर्क इतना है कि इसके पास 6 पोकेमोन है, मेरे पास सिर्फ एक मेगा मीटो वाई। तो इसका फर्स्ट पोकेमोन था पिजियॉट जिसको इसने तुरंत ही मेगा इवॉल्व करके मेगा पिजियॉट बना लिया था, एंड अपने पास था एक म्यूटो जिसको हमने मेगा इवॉल्व करके मेगा म्यूटो वाई बना लिया था। तो अभी हमने एक ही शॉट मारा इसको एंड एक ही शॉट में फिनिश आउट, एंड फिर आ गया इसका सेकंड पोकेमोन वाइप्लूम जिसको भी अपन ने एक ही शॉट किया एंड ऑफकोर्स वन शॉट कर दिया इसको भी, थर्ड पोकेमोन रैपिडैश ऑफकोर्स ये भी वन शॉट, फोर्थ पोकेमोन जोल्टियन ये वन शॉट नहीं गया, ये पावरफुल होता है हमेशा ही। तो इसने एक थंडर अटैक हमें ऊपर लॉन्च कर दिया एंड लिटरली हमें कर दिया था इसने इस बार पैरालाइज, जिसका मुझे सबसे ज़्यादा डर था। एंड मैं अपने आप को हील भी नहीं कर सकता बिकॉज रिकवरी से सिर्फ एचपी हील होती है, ना कि पूरा का पूरा सारे स्टैटिक प्रॉब्लम हील्स हो जाते हैं, एंड मैं कोई आइटम का यूज़ भी नहीं कर सकता बैटल के अंदर रूल के अकॉर्डिंग। तो मैंने इस पोकेमोन को फिनिश आउट किया एंड फिर इसका फिफ्थ पोकेमोन आया स्लो ब्रो, जिसके बाद मैंने अपने पोकेमोन को हील किया एंड स्लो ब्रो ने कर दिया था लाइट स्क्रीन जिससे अटैक की पावर आधी हो गई हमारी। बट जिस तरह से मैंने इसको फिनिश किया एंड फिर आया उसका ये बूमरैंग फेंकने वाला पोकेमोन, तो भाई मैंने इसके ऊपर किया सबसे पहले अपना सर्फ अटैक एंड एक अटैक से इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ लगा दिए, बट बूमरैंग अटैक से थोड़े बहुत डैमेज पड़ गए बिडू। एंड उसके बाद भाई देखिए से मैंने इसे फिनिश आउट किया एंड भाई देखिए से हमने चैंपियन को हरा दिया था। तो गाइस मैंने एक शैडो म्यूटो के साथ पूरे के पूरे चैलेंज को कंप्लीट कर दिया एंड पूरे कांटो रीजन को बीट कर दिया। सो ऑफकोर्स इतना वीडियो कैसी लगी कमेंट से जरूर बताना, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर सब्सक्राइब लाइक कर सकते हो एंड मैं मिलूंगा तुमको मेरे नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। ऐसी बहुत सी चैलेंज मैं अपने चैनल पर करता रहता हूं, तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है एंड बाकी वीडियो को भी चेक करना मैं चाहती। तो लेट्स बाय गाइस, मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।